हेलो बाल बच्चेदार बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। बाल बच्चेदार क्यों बोलते हैं तुम लोग के समझ में आ गया ना? हाँ, थोड़ा सा कल पानी पड़ा, आधा बच्चा गायब। कहे सर तो पानी पड़ा है ना, ठंडा हुआ तो उसमें गायब, और जब नौकरी करोगे ना तो तब जो है ना तब इतना पानी में जाओगे तैर करके। बात समझ गया ना, नाव पर बैठ करके जाओगे तब ड्यूटी करने के लिए, तब मिजाज ठंडा हो जाएगा, और अभी जो है ना मन जो है नहीं आए, नहीं आएंगे। ठीक है, खैर चलिए आगे की बात करें हम रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। इसके पहले डिस्कस किया था कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पर, और ये आपका क्या है, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस पर है ना। जो लोग कॉन्वेक्स का नहीं वीडियो देखे हैं तो लिंक दिया हुआ है, आप देख लीजिए, क्योंकि इसके पहले कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए समझना वो जरूरी है। ठीक है, और खास बात यह है कि दोनों में जो रिजल्ट आता है वो तो सेम आता है, रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहली बात, रिजल्ट में कोई परिवर्तन, फॉर्मूला में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फॉर्मूला तो आपको इतना ही आएगा, कितना आएगा, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। और यह जो है कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है, ये देखिए ये पार्ट जो है कॉनकेव, केव मतलब होता है गुफा, मतलब ये धंसा हुआ पार्ट है ना, ये कॉनकेव है। आई बात समझ में? और इसके पहले जो था ये कॉनवेक्स था, इसे उठा हुआ था, ये कॉनवेक्स है, कॉनकेव है। ठीक है, इसके पहले जो था कॉनवेक्स था, ये आपका कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, और ये कैसा मीडियम है, रेयर एयर मीडियम है, ये कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो रे जो जा रही है रेयर टू डेंसर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो लिया गया है पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया गया, ये इसका कंसिडरेशन है, एजम्पशन है। कैसा ऑब्जेक्ट लिया गया है, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया गया है, और जब ऑब्जेक्ट पॉइंट लिया गया तो यहाँ पर इमेज भी पॉइंट ही बनेगा, पॉइंट इमेज बनेगा। इसके डायग्राम को समझिए, डायग्राम ज़्यादा जरूरी है, ध्यान से देखिए, नहीं तो हाँ नहीं समझने की पूरी गारंटी है, इसलिए फुल कंसेंट्रेशन दीजिए, आराम से समझ में आएगा, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, रटना भी नहीं पड़ेगा। पहले इसको समझ ले ठीक से, फिर लास्ट में हम इसका भी मेमोरी टिप्स देंगे कि आपको याद कैसे रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट से हम दो रे को निकालते हैं, एक तो यहाँ पर ये सीधी चली जाएगी जो प्रिंसिपल एक्सिस से होकर के जा रही है, या जब भी ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी तो क्या होगा, अनडेविएटेड जाएगा। एक तो सीधा चला गया, ये अनडेविएटेड गया। ठीक है, अब दूसरा रे को देखना है, मेन तो दूसरा रे है, तो दूसरी रे जो यहाँ पर से गई, यहाँ देखिए ये गई, ये रे जा रही है, अब कैसे जाएगी, तो जब ये यहाँ पर पहुँचती है तो कैसे जाएगी, तो क्या बोले हैं, सबसे पहले किसको ढूंढना है, नॉर्मल को ढूंढना है। कोई भी रे जब यहाँ पर पड़ी तो नॉर्मल को ढूंढना है, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन है ना, नॉर्मल को ढूंढना, यहाँ जैसे यहाँ जाइए उसके बाद अब नॉर्मल को देखिए, तो जरा तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर माने हैं है ना, ये जो आपका ये जो गोलाई है इसका जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया सपोज। तो यहाँ पर जो है ऐसे इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये देखिए नॉर्मल गया, ये नॉर्मल हुआ, और यहाँ पर ये रे ओरिजिनल पाथ, यहाँ देखिए यही जो लिखे हम, ये ओरिजिनल पाथ है, ये ऐसे जाती अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो, लेकिन ऐसे जाएगी नहीं जाएगी, इसलिए कि क्या हुआ, मीडियम चेंज हो गया, ऐसे जाती लेकिन जाएगी नहीं। अब क्या होगा, रेरर टू डेंसर, छोटा आदमी बड़े के तरफ झुकेगा, प्रणाम पाती करेगा, तो यहां पर ये चला गया, अब किधर झुकेगा, नॉर्मल की तरफ, ये चली गई ऐसे, इसलिए यहां पर इसका नाम दिया हमने रिफ्रैक्टेड रे। अब यहां पर देखिए जरा एंगल छोटा लिखाएगा, जगह कम है हमारे पास, तो ये बताइए नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे भी, तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल क्या होता है, आर।
और ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है आई, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है आई, कोई दिक्कत इसमें? तो आपका ये हो गया आई, ये हो गया आर, आर थोड़ा जगह कम है, सावधानी से देखिए, ये हो गया आर, ठीक है, आई बात समझ में? ठीक बात है। अब यहां देखो ये नॉर्मल को का लाइन यही वाला है ना, ये सी से मिला है, अब ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे गई इधर और यहां से ये आई इधर, दोनों की मुलाकात कहीं होने वाली है क्या? लग रहा है कि होने वाली है, आगे कभी उम्मीद है क्या? तो नहीं है, तो इसका मतलब इधर तो कहीं इमेज बनने वाला नहीं है। तो क्या करना होगा? पीछे मिलाना होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर इसको पीछे के तरफ मिला दें तो चलिए इसको पीछे लाए, तो यहां पर ये इससे कट रहा है, तो जहां पर ये कटेगा वहीं पर जाकर के इमेज का फॉर्मेशन होगा, बस यही तो फंडा इमेज फॉर्मेशन का, आई बात समझ में? तो यहां पर इमेज फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? काय कैसे देखिए, फिर देखिए एक बार, ये रिफ्रैक्टेड रे कैसे जा रही थी उधर, ये जा रही थी इधर, कहीं मुलाकात होने वाली थी क्या? लग रहा है दूर दूर तक क्या नहीं होगी, कहीं इमेज का फॉर्मेशन इधर तो नहीं होगा, इसलिए इसको पीछे के तरफ मिलाया डॉटेड लाइन में, इसलिए कि पीछे ओरिजिनल तो नहीं है ये, है ना? तो जहां पर कटेगा वहां पर जो है इमेज का फॉर्मेशन होगा। बोलो साहब, इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये समझ गए? तो ठीक बात है। अब जरा यहां पर देखिए, यहां पर इमेज बना, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये एंगल कुछ भी मान लीजिए, हमने माना इसको अल्फा, इसको माना बीटा और इसको माना गामा, कुछ मानिए, इसमें मानने से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए अल्फा बीटा गामा जो भी मानेंगे सबको जाना है, इसलिए कि आना तो आपको ही है, बात समझ गए? अल्फा बीटा गामा सबको जाना है, बाकी आना ये है, ठीक है? कहीं अल्फा बीटा गामा दिख रहा है इसमें क्या? तो सब मैदान साफ होगा, आप थीटा वन मान लो, थीटा टू मान लो, थीटा थ्री मान लो, नो प्रॉब्लम, जो मानना है मानिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ इसमें? ठीक बात है। अब इसमें एक ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन जो होगा, पहले आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, वही एक्सटेरियर एंगल जो है किसी भी ट्रायंगल में बाकी दो इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, जैसे ये कोई भी त्रिभुज है एक को बढ़ा दीजिए, जैसे अगर ये मान लो सपोज अगर ये है थीटा, ये है थीटा वन, ये है थीटा टू, तो थीटा कितने के बराबर होगा साहब? थीटा वन प्लस थीटा वन प्लस थीटा टू के बराबर होगा, बात समझ गए ना? कौन क्लास से पढ़े हो ये? खैर जो भी हो, 7, 8, 9 तो बेसिक चीज है ये, तो बस इसका एप्लीकेशन होगा, तो ज्योमेट्री का इसमें एप्लीकेशन होता है, और इसीलिए तो इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहा जाता है ना, क्योंकि सिंपल ज्योमेट्री का एप्लीकेशन होता है, बात समझ गए? ठीक बात है। अब यहां पर चलिए हम लोग रेरर से डेंसर की बात करें, बोलो डायग्राम क्लियर हो गया? ठीक है, रेरर से हम डेंसर की बात कर रहे हैं, और उसके बाद अब यहां पर लगा देना है स्नेल्स लॉ, है ना? क्या लगा देना है? स्नेल्स लॉ, जो कि मेजर पिलर लॉ है आपका ऑप्टिक्स का या रिफ्रैक्शन का, तो कह ही सकते हैं कि यह पिलर लॉ है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या करना है साहब? लगा देना है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू टू अपॉन, कोई तकलीफ इसमें? और दूसरा जो एजम्पशन है इसमें कि एंगल क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? होना चाहिए स्मॉल, अगर एंगल स्मॉल होगा तो साइन थीटा थीटा होगा, है ना? अगर एंगल स्मॉल हो जाए तो, इफ एंगल इज स्मॉल तो साइन थीटा बराबर बराबर, तो जब जिसकी जरूरत होगी उसको हम लेंगे, आई बात समझ में? ठीक बात है। तो इसका मतलब आई बाय आर दे सकते हैं, इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन दे सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आई म्यू वन इक्वल टू आर म्यू टू, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट।
कोई तकलीफ इसमें? अब उसके बाद मेरा इसमें टारगेट क्या होगा, आई और आर को निकालना, ठीक है? क्या टारगेट होगा? आई और आर को निकालना। कोई दिक्कत इसमें? तो अब यहां पर देखिए, अब जा गौर से देखिए। देखो सबसे पहले तो आपके पास एक ट्रेंगल है, कुछ नाम दे देते हैं इसको, इसको यहां एम दे देते हैं, पी एम, और यहां देखो यहां आई एम सी। इस ट्रेंगल में आई एम सी, इससे क्या मिलेगा? गामा है, गामा को क्या दे सकते हैं इससे? बीटा प्लस आर दे सकते हैं, इससे आर का वैल्यू निकलेगा। और अगर ये बड़ा वाला ट्रेंगल है, ये देखो तो ओ एम सी, इससे भी गामा ले सकते हैं, तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये देखो ये पूरा अल्फा प्लस आई ना होगा फ्रॉम ट्रेंगल ओ एम सी। तो ये पहले हम इसी ट्रेंगल को ले लेते हैं, फ्रॉम ट्रेंगल ओ एम सी। तो बोलिए तो साहब ओ एम और सी, ये देखिए, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा, ये बाहरी एंगल है, ये कितने के बराबर होगा? आई प्लस, ध्यान से देखिए ट्रेंगल को साहब, ये ट्रेंगल हम ले रहे हैं, ये बड़ा वाला ट्रेंगल ले रहे हैं, ध्यान से देखिए ये बड़ा वाला ट्रेंगल ले रहे हैं हम, ठीक है? बाकी डॉटेड डॉटेड लाइन जो है उसको छोड़िए बात, अब यहाँ पर ज्योमेट्री की बात। तो गामा इक्वल टू आई प्लस अल्फा, गामा इक्वल टू आई प्लस अल्फा, तो आई इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। कोई तकलीफ इसमें? तो आई का तो मामला हो गया, अब क्या करना है साहब? हमको क्या चाहिए? आर चाहिए। फिर इस ट्रेंगल को लीजिए आई एम सी, है ना? कौन सा ट्रेंगल लेना है? कौन सा ट्रेंगल? फ्रॉम ट्रेंगल आई एम सी। बोलिए साहब, तो फिर यहाँ गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब ये देखिए, ये ट्रेंगल, ये पतला वाला ट्रेंगल, ये जो आपको दिख रहा है साहब, ये वाला, ठीक है? ये वाला ट्रेंगल, ठीक है? हाँ, पतलू ट्रेंगल। तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा प्लस, तो गामा इक्वल टू हो गया बीटा प्लस, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा साहब? गामा माइनस। अब क्या करना है, इसका वैल्यू किस में बैठाना है? किस में बैठाना है? फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन, तो फर्स्ट, तो बोलिए तो साहब आई कितने के बराबर है? आई देखिए यहां पर गामा माइनस अल्फा, म्यू वन अपने जगह पर। फिर बोलिए तो साहब आर कितने के बराबर है? गामा माइनस बीटा, उसके बाद म्यू टू। कोई तकलीफ इसमें? बात समझ गए? तो यहां पर जो है ये मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, और यह जो है मेजर इक्वेशन होगा, यह जो आपका मेन इक्वेशन होगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ये समझ गए? तो हमने क्या क्या इसमें, पहले तो स्नेल्स लॉ से आए हम लोग, साइन आई अपॉन साइन आर इतना, आई बाई आर इक्वल टू इतना, एंगल स्मॉल होगा तो साइन थीटा थीटा वाली बात, और फिर हमने आई निकाला, आर निकाला, और आई आर का वैल्यू क्या क्या इसमें पुट किया, ठीक है? अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हमको चाहिए अल्फा बीटा गामा की बात। तो इसमें जो एजम्पशन है हमारा कि एंगल क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए एंगल? स्मॉल होना चाहिए। तो स्मॉल जब एंगल होगा तो साइन थीटा थीटा बराबर टेन थीटा, ये आपको पता है। तो अगर एंगल स्मॉल होगा, जरा याद ध्यान से देखिए, अभी जो हम यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये यहाँ से नॉर्मल या परपेंडिकुलर एक ही बात है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ, तो ये यहाँ पर आकर के मिला। तो अभी तो आपको दिख रहा है कि ओ वन यहाँ है और पी यहाँ है, लेकिन जब एंगल छोटा होगा, क्या होगा? एंगल छोटा होगा, तो मान लो एंगल छोटा होगा तो ये यहीं पर आकर के मिलेगा, और छोटा हो तो इसकी मुलाकात यहाँ पर होगी। अब जब यहाँ से साहब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, जरा देखिए तो, जरा देखिए तो लग रहा है कि दोनों पॉइंट अब अलग अलग, दोनों एक ही पॉइंट पे चला जाएगा, नहीं? अगर एंगल छोटा हो और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो कोई भी डिफरेंस दोनों के बीच
नहीं रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओवन और पी दोनों क्या होगा, कॉन्साइड कर जाएगा। बात समझे कि नहीं? Yes, क्या होगा, दोनों कॉन्साइड कर जाएगा। आई बात समझ में? Yes. तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? No. अब हम लोग इसका अप्लीकेशन करेंगे। Yes. यहाँ तक पहले लिख लीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर अभी आ गया हम अल्फा बीटा गामा का वैल्यू जो उसको हम पुट करेंगे। पहले इसको यहाँ तक लिख लीजिए, फिर बात कर रहे हैं। यहाँ तक हो गया सबका लिखा हुआ? Yes, तो नीचे जब इक्वेशन लिखे थे, एक बार हम यहाँ पर ऊपर लिख दिए हैं, एक बार फिर से देखिए, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया सबका। अब यहाँ पर देखो, अब हमारा इसमें टारगेट क्या होगा, अल्फा बीटा गामा इसका वैल्यू पुट करना। और ये पता आपको, अगर एंगल स्मॉल हो साहब तो वैसे स्थिति में अल्फा किसके बराबर होता है, टेन अल्फा, है ना। अगर एंगल स्मॉल हो, इफ एंगल इज स्मॉल तो अल्फा बराबर टेन अल्फा। अब जरा देखिए, टेन अल्फा लीजिए आप, पहले तो देखिए ये आप ट्रायंगल जो है अल्फा जिसमें है, और ये जो हाइट है सपोज इसको हम मान लेते हैं ये जो है एच। लेकिन जब एंगल स्मॉल होगा तो ये तो पता है कि ओ वन और पी क्या हो जाएगा, कॉन्साइड करेगा, है ना। अगर एंगल स्मॉल होगा तो ओ वन पी क्या हो जाएगा, कॉन्साइड करेगा कि नहीं करेगा। इफ एंगल इज स्मॉल देन ओ वन एंड पी कॉन्साइड होगा। इसको हम लिख देते हैं, ये पता आपको। अब आइए अल्फा बराबर टेन अल्फा, और टेन अल्फा कितने के बराबर होगा, देखिए पी बाय बी तो दिस अपॉन दिस, तो आप ये डिस्टेंस लीजिए या ये डिस्टेंस, पी तक का डिस्टेंस, बात तो बराबर है। Yes. जब ओ वन और पी कॉन्साइड ही हो गया तो हम ये डिस्टेंस लेंगे, और ये डिस्टेंस क्या है, यू है, इसलिए कि यह ऑब्जेक्ट है। Yes. तो ये डिस्टेंस हम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसी तरह से इमेज यहाँ पर बन रहा है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस। और ये सी है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये क्या हो जाएगा साहब, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर देखो अल्फा बराबर टेन अल्फा, तो टेन अल्फा कितने के बराबर हो जाएगा, ये देखो दिस अपॉन दिस, तो ये कितना है साहब एच, ये कितना है एच। उसके बाद ये लीजिए यू, कोई तकलीफ इसमें, सीधा एच बाई यू ले लीजिए। मान लो इसको लोगे फिर एम ओ वन, और फिर यहाँ पर ओ ओ वन फिर बैठाएंगे, झूठ मुठ का वन के बदले ओ टू हो गया तो लो हो गया, मामला गड़बड़ है ना। इसलिए बिल्कुल सीधा लीजिए, ज़्यादा लंबा भी खिंचाएगा उसमें, है ना। और समझने में भी एम एम वन है कि एम टू है, उसी में मिजाज ठंडा हो जाता है, तो सिंपल लीजिए ना, है ना। ज़्यादा लेंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं, अननेसेसरी लेंदी नहीं करना, है ना। एग्जामिनर को सब पता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक बात है। तो साइन कन्वेंशन इसमें बाद में बैठाएंगे, पहले आप अल्फा ले लें, आप बीटा ले लें, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा साहब, टेन बीटा, बोलिए साहब। अब टेन बीटा किस ट्रायंगल में, तो देखिए बीटा वाला ट्रायंगल पकड़ लिया यहाँ, ये वाला जिसमें बीटा है तभी तो हम लेंगे टेन बीटा ना, बीटा हो भी नहीं करेगा तो टेन बीटा कहाँ से लाएगा, ससुराल से। बात समझ गया ना, सिंपल बात है, जिसमें बीटा होगा तो बीटा वाला ट्रायंगल लेंगे ना, अल्फा जिसमें होगा तब ना वो वाला ट्रेंगल लेंगे हम, सिंपल बात है। अब फिर इसी को लम आड़ना है तो करेगा, फिर यहाँ से चलेगा एम आई यू वन, झूठो का उससे क्या फायदा, है ना। तो सीधा चलिए टेन बीटा दिस अपॉन दिस मतलब एच बाय बी, तो आ जाइए अब एच अपॉन बी। बोलो साहब कोई तकलीफ इसमें, फिर देख लीजिए टेन बीटा ये राइट एंगल ट्रायंगल दिस अपॉन दिस, तो क्या हो जाएगा साहब एच बाय बी, ये बीटा वाला एच बाय बी, ठीक है। बात समझ में आया, घूमता है क्या रे, ठीक है। तो चलो फिर चलो यहाँ गामा बराबर, हाँ टेन गामा, अब कौन सा ट्रेंगल लेंगे जरा बता दो, जिसमें गामा होगा वही वाला तो लेंगे ना, तो गामा किस में, ये देखिए स्वाभाविक है यही वाला ट्रेंगल हमको पकड़ना पड़ेगा, देखिए ये वाला ट्रेंगल लेना है ना, बोलो साहब। तो दिस अपॉन दिस मतलब एच अपॉन, ठंडा हो गया क्या रे तुम लोग, तो बोला एच अपॉन, कोई दिक्कत इसमें, तो क्या हो जाएगा एच अपॉन, कोई तकलीफ इसमें। अब आइए साइन कन्वेंशन की बात कर ले, ठीक है।
अब साइन कन्वेंशन की बात कर लें, साइन कन्वेंशन इसमें क्या होगा? सब नेगेटिव, सब तो ऑरिजिन के इधर है, है ना? इधर तो सब नेगेटिव है ना, यू नेगेटिव, बी नेगेटिव, आर नेगेटिव, और एच जो है ये तो ऊपर है, एच पॉजिटिव अपने जगह पर है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब क्या करना है, इसका वैल्यू इक्वेशन टू में पुट करना है, करना है ना? तो ठीक बात है, तो पुटिंग इन इक्वेशन टू। अब ये बताओ तो जरा साहब, गामा का वैल्यू बोलो, एच अपॉन माइनस आर माइनस अल्फा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू एच अपॉन माइनस यू, चलो ठीक है, तो म्यू वन हो गया। फिर बोलो साहब, गामा का वैल्यू एच अपॉन माइनस आर, चलो ठीक है। फिर बीटा का वैल्यू एच अपॉन, कोई दिक्कत इसमें? ये म्यू टू, ठीक है, तो चलो ठीक है। अब उसके बाद एच को बाहर निकाल लें, तो चलो एच को बाहर निकाल लेते हैं, वन बाय आर माइनस में, फिर यहाँ पर ये वन बाय यू म्यू वन अपने जगह पर। फिर बोलो साहब, पहले पॉजिटिव वाला ही लिख लेते हैं, एच को बाहर कर लें, तो ठीक बात है, तो वन बाय वी माइनस वन बाय, और उसके बाद कोई तकलीफ इसमें? ठीक है, एच का मैदान साफ हो गया, ठीक है। तो अब क्या करो कि म्यू वन को अंदर डाल दो, ठीक है, तो चलो बोलो, तो फिर माइनस म्यू वन अपॉन आर प्लस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू अपॉन वी, और नीचे जो है म्यू टू अपॉन आर। बोलो कोई तकलीफ है इसमें? बात समझ गए ना? अब क्या करना है, आर वाला एक तरफ, बिना आर वाला एक तरफ, बात समझ गया ना? क्लियर हो रहा है ना? समझ रहा है कि रटना है, है ना? देखो कुछ लोग ऐसा है जैसे कि सत्यनारायण भगवान का कथा सुन रहा है ना, बीच बीच में जाय भी बोला जाता है, बात समझ आ कि नहीं, है ना? हाँ, तो इसलिए मतलब यही हुआ, एक्टिव रहना है ना? तो यहाँ जो है आर वाले को एक तरफ और बिना आर वाले को एक तरफ करना है, ठीक है। तो डायग्राम हटा दें अब, कोई काम तो नहीं है। हालांकि फॉर्मूला तो आपका देख लीजिए, यहीं पर आ गया, दिख रहा है फॉर्मूला कि नहीं दिख रहा है? इसको इधर कर लो, म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू वन अपॉन आर, देखो इसको इधर किया, इक्वल टू म्यू टू अपॉन वी या माइनस म्यू वन अपॉन, बस यही तो। लो एक बार इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, बगल में फिर से लिख दिया, वही तो आ गया, और क्या करना है, फिर देख लीजिए खाली अब, है ना? पहले इसी को लिख दें, कोई आपत्ति तो नहीं? म्यू टू अपॉन वी या माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू कितना? म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, वो तो गया। अब इसके बाद क्या करना है, यही तो टारगेट था साहब, फॉर्मूला तो हमारे सामने लिखा हुआ है, देख लो। और फॉर्मूले में कोई परिवर्तन होगा क्या? चाहे कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए हो, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए हो, फॉर्मूला में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फॉर्मूला तो वही होगा, ठीक है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? आइए एक बार फिर मेमोरी टिप्स इसका देखो, रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। याद कैसे रखना है, तो क्या तरीका, एक बार देख लीजिए मेमोरी टिप्स में, हमको क्या चलना है, पहले तो एकदम साइन आई अपॉन साइन आर वाली बात, तो क्या करना है, म्यू टू अपॉन, तो आई बाय आर म्यू टू बाय कोने कोने गुना आई म्यू वन आर म्यू टू, ये मेन इक्वेशन हुआ। अब क्या करना, आई का वैल्यू पुट करना है, आर का वैल्यू पुट करना है, आई का वैल्यू पुट करना है, इसके लिए तरीका ये होगा, एक्सटर्नल एंगल जो बाकी दो इंटीरियर एंगल के बराबर लेके, आई जिसमें है आई वाला ट्रेंगल पकड़ लिए, आर जिसमें है आर वाला पकड़ लिए, और उसके बाद आई आर का वैल्यू आ गया, तो आई आर का वैल्यू किस में आएगा, अल्फा बीटा गामा के रूप में आएगा, देख लीजिए जैसे आ गया ये, ठीक है,
इसमें आ गया तब क्या करना है, अल्फा बीटा गामा को हटाना है। तो इंग्लिश स्मॉल हो तो अल्फा बराबर टेन अल्फा, बीटा बराबर टेन बीटा, गामा बराबर लेकर के टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी लेकर के साइन कन्वेंशन, तो इसमें सब निगेटिव ही होगा। कोई पॉजिटिव का चक्कर इसमें, सब निगेटिव, यू बी आर सब निगेटिव, सब इधर है ना। एक एच पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या होगा, कोई दिक्कत। यहाँ पुट कर दिया, बाकी जो कटा कटा दीजिए, जो बचा बचा लीजिए। सीधी बात, जो कटा कटा देना, जो बचा बचा लेना। आज फिर आपका फाइनल टारगेट जो था वो आपको मिल जाएगा। क्या रटना है, क्या रटने की जरूरत है, जबकि अच्छा कॉन्सेप्ट है। अच्छा कॉन्सेप्ट अगर समझोगे नहीं तो याद रखने में जो है ना ससुर याद आ जाएगा, समझ गए ना, नानी नहीं याद बोलेंगे, है समझ गया ना। तो इसलिए जो है बात समझ गए ना। एक बार हमने कहा ऐसे ही कि जो लोग नहीं बोलोगे ना उसकी सास गूंगी होगी, तो कुछ लड़की लोग बोली बढ़िया बात है तब नहीं बोलेंगे। तुम लोग को भी अच्छा कि खराब, अच्छा कि खराब बोलो, अच्छा है सुनो, खतरनाक से बाद में है? चलो ठीक है, तो अब बस सोच के कल बताना, फिजिक्स साइंस को भी सोच के कल बताना, अच्छा कि खराब, ठीक बात है। अच्छा ठीक बात है, तो देखो इसके बाद जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो जो चलो हो गया, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, जो कि पूरे रे ऑप्टिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला लेक्चर लेंस मेकर फॉर्मूला पूरे रे ऑप्टिक्स के लिए और किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लेंस मेकर फॉर्मूला थोड़ा देख करके भी आइएगा। इस पर हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे। और हमारा चैनल इनोवेशन फिजिक्स बाय आर के जे सर, गरीब आदमी है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि सबको बेनिफिट हो। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।